एग्जाम्पल नंबर फोर पॉइंट एट अ हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ़ फोर नाइन्टी मीटर अबब फ्रॉम द ग्राउंड एंड थ्रोज द स्टोन हो विद द एन इनिशियल स्पीड ऑफ फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मेरे पास एक हिल है सो लेट सपोज ये मेरे पास एक क्लिफ़ हो गई और इसकी जो हाइट है फ्रॉम ग्राउंड वो कितनी दी हुई है फोर नाइन्टी मीटर और जो हाइकर है वो क्लिफ़ की हाइट से एक स्टोन को थ्रो कर रहा है सो हॉरिजोंटली डिस्ट्रेक्शन में थ्रोस हॉरिजोंटली विद इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड सो यहां पे हम इनिशियल स्पीड ऑफ स्टोन को डिनोट कर देते हैं वी नॉट से इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड सो यहां तक हमने स्टेटमेंट समझ ली आगे क्या कह रहा है निगलेक्टिंग एयर रजिस्टेंस अब इसको समझते हैं ध्यान से निगलेक्टिंग एयर रजिस्टेंस का क्या मतलब है अगर यहां पे मैं एयर के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करता हूं तो मेरे कहने का क्या मतलब है जो मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्टोन है वो थ्रू आउट कांस्टेंट ही रहेगी लाइक like 15 मीटर पर सेकंड यहां पे भी और यहां पे भी 15 मीटर पर सेकंड। सो आप कह सकते हैं कि जो मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसमें चेंज नहीं आएगा क्यों क्योंकि उसको रजिस्टेंस करने के लिए कोई भी क्वान्टिटी नहीं है सो so अगेन आगे देखते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड एट विच इट हिट्स द ग्राउंड अब मुझे दो चीजें फाइंड करने को कहा गया है कि जैसे ही मैं स्टोन फेंक रहा हूँ फ्रॉम अ क्लिफ विद इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड तो वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पे टच कर देगा सो दैट दिस इज आवर ग्राउंड तो यहां पर आके वो टच कर जाएगा और हिट कर जाएगा सो दिस इज माई पैराबोलिक पाथ तो मुझे क्या फाइंड करना है इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है और कितना टाइम लेगा यहां टच करने में सो so, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जहां से अब स्टोन फेंका गया है हम उसको ओरिजन मान लेते हैं सो लेट दिस पॉइंट विल बी ओ ओरिजन जहां से एक हाइकर ने स्टोन को फेंका अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया था

वाई नॉट इनिशियल कॉर्डिनेट्स वाई एक्सिस ये दोनों ही जीरो के ऊपर होंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इसे औरजन अज्यूम कर लिया सो so, अब इस पॉइंट को मैंने ओरिजन मान लिया तो हमें मालूम है हम डायरेक्शनस को कैसे लेते हैं हम अपवर्ड पॉजिटिव जैसे आप डायरेक्शन कॉर्डिनेट्स लेते हैं ये भी पॉजिटिव हो गया सो डाउनवर्ड नेगेटिव और ये भी मेरे नेगेटिव हो गया जैसे एक्स एक्स डैश एक्सिस वाई वाई डैश एक्सिस सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और किस डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे So, आप देख सकते हैं क्योंकि जो हाइट भी है अब ओरिजिन से वो हमारे पास डाउनवर्ड जा रही है तो हम इसे लिखेंगे माइनस फोर नाइन्टी मीटर हमारी हाइट आ जाएगी नेगेटिव में सो so, स्टार्ट करते हैं अब यहां पे हम लिख लेते हैं कि हेयर एक्स एंड वाई अब एक्स और वाई कंपोनेंट मोशन हैं जो मेरे पास ऑफ मोशन यहां पे हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली तो हम यहां ऑफ मोशन यूज करेंगे एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में इंडिपेंडेंटली फिर बाद में हम यहां पे इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे लाइक जो हमारे पास कैनमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन सो ये इक्वेशंस हमने एक्स एक्सिस में ली हुई है अगर आप वाई एक्सिस में लेना चाहते हैं एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे सो so फर्स्ट अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो स्टोन की इनिशियल पोजीशन थी अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो स्टोन की इनिशियल पोजीशन मेरे पास क्या आ गई वाई नॉट किसकी इक्वल जीरो और जो उसकी स्टोन की फाइनल पोजीशन है वो आ रही है मेरे पास माइनस फोर नाइनटी मीटर फाइनल पोजीशन एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल पोजिशन वाई नॉट प्लस इनिशियल ब्लॉसटी इन वाई एक्सिस सो यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ वाई कि मतलब इनिशियल ब्लॉसटी इन वाई एक्सिस इसको हम रीड कैसे करेंगे इनिशियल ब्लॉसटी इन वाई एक्सिस एट एनी टाइम टी प्लस हाफ ए वाई एक्सरेशन इन वाई एक्सिस टी स्क्वायर सो हम सबको मालूम है कि एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर मेरा स्टोन फ्लो करेगा सो so, मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्केयर सो एक्सोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इन वाई एक्सिस सो आप कह सकते है? Ay -axis. So, हम हम हैं ए वाई एक्सिस सो अब यहां पे हम वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं सो माई फाइनल पोजिशन एट एनी टाइम टी कितनी आ रही है माइनस फोर नाइनटी मीटर माइनस फोर नाइनटी मीटर एंड इनिशियल पोजिशन जीरो So, आप देख सकते हैं कि जब स्टोन को फेंका गया था तब उसके पास सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी थी इन एक्स एक्सिस और आप कह सकते हैं इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो यहां पे जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस है वो कितनी होगी जीरो मीटर पर सेकेंड सो ये टर्म जीरो ही हो जाएगी क्योंकि जब मेरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो टाइम से जीरो प्लस हाफ ए मेरे पास कितना है माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन टी स्केयर सो यहाँ पे अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आ रहा है माइनस फोर पॉइंट नाइन अब मेरे पास क्या बचा माइनस फोर मीटर इज इक्वल टू माइनस फोर पॉइंट नाइन टी स्केयर सो अब मुझे टी की वैल्यू निकालनी है सो so, इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस फोर पॉइंट नाइन इज इक्वल टू टी स्केयर सो माइनस से माइनस साइन कैंसिल अब मैं 490 को 4.9 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 100. सो so, हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्केयर इज इक्वल टू हंड्रेड सो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है टी की सो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस टेन सेकेंड्स सो वी नो दैट टाइम कांट बी नेगेटिव सो हमारा जो टाइम लग रहा है टी इज इक्वल टू उसे हम यूज करके पॉजिटिव टेन सेकेंड सो दिस इज आंसर फर्स्ट कितना टाइम लग रहा है स्टोन को यहाँ पे पहुँचने में अब नेक्स्ट हम वेलोसिटी कंपोनेंट्स देख लेते हैं सो so, हमें क्या कहा गया था कि एयर रजिस्टेंस हमने इलेक्ट करनी है तो जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी इन एक्स एक्सिस जिसे हमने डिनोट कर सकते हैं वी नॉट एक्स इन एक्स एक्सिस वो थी मेरे पास 15 मीटर पर सेकंड सो ड्यू अब हमें एजम्प्शन थी कि हमने एयर रजिस्टेंस को निलेक्ट करना है तो यही मेरी फाइनल विलॉसिटी के इक्वल भी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे एयर रजिस्टेंस है ही नहीं तो इसकी स्पीड कम ही नहीं होगी इन हॉरिजोंटल एक्सिस तो यही मेरी इनिशियल थी यही मेरी अब फाइनल विलॉसिटी होगी इन एक्स एक्सिस सो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि लेट वी नॉट एक्स से हम इसे डोनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को नेक्स्ट अब इन वाई एक्सिस में हमें फाइंड करना है वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस वी वाई से डिनोट कर देते हैं इज इक्वल टू वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस प्लस ए टी अब टी की वैल्यू हमें मालूम है टेन सेकेंड्स जो हमने फाइंड कर ली थी सो so हम टी को टेन सेकेंड्स फिल कर लेते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें मालूम ही है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड्स स्क्वायर क्योंकि एक्सेलरेशन होगी वो ऑलवेज एक्ट करती है डाउनवर्ड आप किसी भी पॉइंट पे देख सकते हैं कि जो एक्सरेशन की वैल्यू है वो हमेशा ही डाउनवर्ड लगेगी so, यहाँ पे वैल्यू वैल्यूट कर लेते हैं तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। टेन सेकेंड सो टेन वैल्यू इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास फाइनल इन वाई डायरेक्शन कम्स टू बी नाइन एट मीटर पर सेकेंड नेगेटिव 98 मीटर पर सेकंड सो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है ठीक है जो वेलोसिटी आ रही है वो हमारी डाउनवर्ड है दिस इज फाइनल वेलोसिटी जब मेरा स्टोन टच करेगा ग्राउंड को तब ये मुझे वेलोसिटी मिल रही है माइनस नाइन्टी एट मीटर पर सेकंड तो आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ आप कह सकते हैं नाइन्टी एट मीटर पर सेकंड सो अब उसने मुझे क्या पूछा था कि स्पीड स्पीड ऑफ द स्टोन हमें क्या फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्टोन तो हमें मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज क्या देता है स्पीड तो यहां पे मेरे पास दो वेलोसिटीज हैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए अगर आप यहां पे मैग्नीफाई करके देखें ठीक है हम मैग्नीफाई करके इस जगह को द्वारा बना लेते हैं पॉइंट को सो so, यहां पर मेरा स्टोन टच कर रहा है सो so, जो मेरा हॉरिजोंटल कंपोनेंट है वो क्या आ गया वी एक्स माई वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई। अब जो इसका रिजल्टेंट होगा बाय यूजिंग पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो मुझे स्पीड दे, दे देगा और मैग्नीट्यूड इसके रिजल्टेंट का जो मेरे पास मैग्नीट्यूड होगा वही होगी हमारी स्पीड सो आप यहां पे ये वी एक्स है तो ये भी वी, वी एक्स आ गया तो यहां पे हम सीधा पैथोकोर्स भी यूज कर सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड मीन्स स्पीड ऑफ स्टोन हमने अब फाइंड करनी है सो स्पीड ऑफ स्टोन स्पीड ऑफ स्टोन इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट का स्केयर सो एक्स कंपोनेंट में हमारे पास कितनी थी 15, 15 स्केयर प्लस 98 स्केयर सो so, अगर हम इसे सिंपलीफाई करें तो मेरे पास 15 का स्केयर कितना आता है 225 प्लस Uh, 98 एट का स्क्वेयर मेरे पास आ जाएगा नाइन सिक्स ज़ीरो फोर अब इसे हम फर्दर सम करें तो मेरे पास आ रहा है नाइन एट टू नाइन तो अब इसको हमने रूट में सॉल्व करना है तो आप कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन पॉइंट्स को हम देखें हमें मालूम है अगर आप हंड्रेड इंटू हंड्रेड करें तो हम मेरे पास कितना आ जाएगा टेन थाउजेंड सो अब ये वैल्यू टेन थाउजेंड से कम है सो ऑब्वियसली नाइन्टी एट से ज़्यादा होगी सो so, हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू नाइन नाइन के आसपास होगी लाइक like, आप चेक भी कर सकते हैं कि नाइन्टी नाइन पॉइंट वन और ठीक है हिट एंड ट्रायल्स से नाइन्टी नाइन पॉइंट वन टू या टू इसके बीच में ही इसकी वैल्यू लाई like करेगी सो फॉर सिंप्लिसिटी और या फॉर राउंड ऑफ फिगर्स आप सीधा ही कह सकते हैं कि नाइन्टी नाइन मीटर पर सेकेंड मेरी स्पीड आ गई स्टोन की जिससे वो ग्राउंड पे हिट कराए सो दिस इज माई सेकेंड आंसर